Sehgal Inter College, Kanwakhera, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. किसी स्थान पर बकरे की बलि दी जाए और वहां मक्खियां ना आए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आई इंडिया आपको ऐसे देवस्थान के बारे में बताने जा रहा है जहां एक दो नहीं बल्कि हजारों बकरों की कुर्बानी दी जाती है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस स्थान पर एक भी मक्खी नहीं आती। यह देवस्थान यूपी के सीतापुर में सिधौली मिश्रिक मार्ग पर नैमिषारण्य क्षेत्र के डेंगरा में स्थित है। इस स्थान को बाबा महासेन महाराज के नाम से प्रसिद्धि मिली है। इस देवस्थान पर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से 15 दिनों के लिए विशाल मेला लगता है। सप्तमी के दिन यहाँ हजारों बकरों की कुर्बानी दी जाती है। इस वर्ष दो दिनों की सप्तमी होने की वजह से 12 एवं 13 जुलाई को परंपरानुसार पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि महासेन बाछिल ठाकुर थे, इसलिए क्षेत्र के दर्जनों गांवों में दूर दूर तक सप्तमी के दिन घरों में तवा चढ़ाकर रोटियां नहीं सेकी जाती हैं। तेरवा गांव में सप्तमी के दिन देवई मुंडन आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बाछिल ठाकुर महासेन महाराज की पुण्यतिथि को त्योहार के रूप में मनाते हैं। डेंगरा के महासेन महाराज देव स्थान का महत्व क्या है, आइए पहले जान लेते हैं। क्षेत्र के तेरवा निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य भगवती सिंह, कोठवा निवासी धीरेन्द्र सिंह और विवेक सिंह से। महासेन बाबा जो है वो तेरवा थे और तेरवा के रहने वाले थे, और जिस टाइम पर मुसलमान और अंग्रेजों का आपस में लड़ाई हो रही थी, उस टाइम पर अंग्रेजों से लड़ते हुए महासेन बाबा जो है यहाँ पर शहीद हो गए थे। इसके बाद में उनकी शादी जो है वो कमलापुर में, कमलापुर से बैस खानदान से हुई थी, और उनका नाम था महोठे रानी। वो सती होना चाहती थी तो वहाँ पर उनकी रखवाली के लिए बाद के आसपास पासियों को लगा दिया या भी सरदारों को। इसके बाद में वो आसपास रखवाली करते ही रहे, लेकिन महोठे रानी ने लकड़ियाँ बीन के और वहीं पे सती हो गई। इसके बाद में ऐसा हुआ कि जहाँ पे इनका चबूतरा बना हुआ है उस जगह पर किसी कुछ लोगों ने एक मुर्दे को फूंक दिया, तो महासेन बाबा यहाँ से डेंगरा भाग गए। तब फिर तेरवा वाले सब लोग गए तो उनको वहाँ से मना के लाए, तो वो सप्तमी के दिन तेरवा में आ जाते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं। सप्तमी दिन जितने भी बाछिल खानदान वाले हैं उनके यहाँ तवा नहीं चढ़ता है, कढ़ाही में चाहे जो कुछ खाना पानी बनाया जाए और पूरी पकवान मीठा और प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है। और जो हम लोगों लड़कियां होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनके दवाई का संस्कार यहाँ होता है, और दवाई संस्कार में हर लड़की को एक बकरा लाना पड़ता है, वो यहाँ पे काटा जाता है। हमारा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह बाछिल है और हम कोठामा गांव में रहते हैं। महासेन बाबा जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं। हमारे बाबा लोग बताया करते थे कि महासेन बाबा जो है बाछिल ठाकुर ही थे और हम लोगों के पूर्वज हैं। आषाढ़ माह की जब सप्तमी आती है तो उसमें महासेन बाबा का ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन हजारों बकरे जो हैं उनकी कुर्बानी यहाँ पर दी जाती है डेंगरा में। ये महासेन बाबा का स्थान है, यहाँ डेंगरा में यहाँ पर कुर्बानी दी जाती है। और जब कुर्बानी दी जाती है तो कहते हैं कि यहाँ पर हजारों बकरे कुर्बानी दी जाती है, लेकिन जो खून पड़ा रहता है उसमें मक्खियाँ नहीं लगती हैं। और एक बात और हम आपको बता दें, महासेन बाबा हमारे पूर्वज तो हैं ही हैं, हमारे पुरखे हैं, और एक प्रथा है हम लोगों के वहाँ कि हम बाछिल ठाकुरों की बहन या बेटियाँ जहाँ भी उनकी शादी होती है तो वहाँ पर भी उस दिन तवा जो है वो नहीं चढ़ाया जाता है और पूरी पकवान ही बनाए जाते हैं। और ये त्यौहार हम बाछिल ठाकुर जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और ये 7 दिन का मेला यहाँ पे लगता है डेंगरा में, तो हम सब लोग आते हैं मेला देखने। और हमारी एज तो भी ज़्यादा नहीं है तो हम ज़्यादा विषय तो महासेन बाबा के नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा लोग बताया करते थे कि हमारे पूर्वज हैं और इनकी बड़ी मान्यता है हम लोगों को। मैं विवेक सिंह बाछिल आप लोगों को आज महासेन बाबा की एक
सुनी हुई कहानी बताना चाहता हूँ जो हमारे पूर्वज हमें बताया करते थे कि आज से बहुत सालों पहले महासेन बाबा हमारे तेरवा गांव में हुए थे और मुगलों से युद्ध करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनके बारे में ये मान्यता है कि उनका जो धड़ है वो डेंगरा में गिरा था और जो सर है उनका वो तेरवा गांव में गिरा था। दोनों जगह पे इस समय मेले का आयोजन होता है। बाछिल खानदान जो इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ी तादाद में रहता है, ठाकुरों का एक परिवार होता है बाछिल, तो वो सभी लोग आषाढ़ माह के सप्तमी के दिन से वहाँ पे डेंगरा में मेला लगता है। और मेला मुझे लगता है कि मैंने जब से होश संभाला है तब से डेंगरा का मेला बहुत ही विख्यात है, बहुत बड़ा मेला लगता है। 15 दिन का आयोजन होता है। मेले में मौत का कुआं जैसे बहुत बड़े बड़े झूले और तरह तरह के आइटम लगते हैं और बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं और तरह तरह की प्रदर्शनी, तरह तरह के दुर्लभ सामान, जो प्राचीन सामान जो पहले दिखते थे आज भी वहाँ पे मूसल, गाली और बहुत सारी चीज़ें जो दुर्लभ होती हैं, आम मार्केट में नहीं मिलती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। खटिया से लेकर के सुई से लेकर धागा तक सब कुछ। आपको बता दें कि वहाँ पे लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं। और आपको एक खास बात बताऊं, वहाँ पे बकरे की भी बलि दी जाती है और इतने बकरों की बलि देने के बावजूद वहाँ पे मक्खियाँ नहीं लगती, ये एक वहाँ का खास बात है। और बाछिल परिवार में बहुत सारे लोग बलि देने की बजाय बकरे का कान काट कर छोड़ देते हैं, लेकिन उनके मान्यता में बकरे को चढ़ाना अनिवार्य रूप से माना गया है और बाछिल खानदान में उनकी बहुत मान्यता है। हर अषाढ़ को, हर साल में अषाढ़ को ये मेले का आयोजन होता है और महासेन बाबा को लोग याद करते हैं और खुशी मनाते हैं और अच्छे अच्छे पकवान घर में बनते हैं और रिश्तेदारों को बुला करके अच्छे अच्छे भोजन करवाते हैं और उनको उनका आतिथ्य, मतलब उनको अतिथि साकार करते हैं। और यही मान्यता वर्षों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम सभी लोग अपने बच्चों को बताएंगे, वो लोग अपने बच्चों को बताएंगे, इसी तरह से ये परंपरा दिन रात चली आ रही है। जहाँ पे हम आपको बताएं कि राजा जो हमारे महासेन बाबा थे उनकी शादी कसमंडा स्टेट में हुई थी, तो वहाँ पे भी राजा उनको रानी को महोठे की रानी कहा जाता था। तो जब मुगलों ने उनको, मतलब मुगलों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए तो रानी अपने मायके चली गई। वहाँ पे कुछ सैनिकों ने, कुछ पासी बिरादरी के सैनिकों ने उनको बचाया और उसके बाद में उन्होंने अग्नि स्नान कर लिया था। तो वहाँ पे भी ये मान्यता है कि उस दिन लगभग 15 दिन सप्तमी के दिन खास करके ना वहाँ पे कोई तवा चढ़ाता है और ना हमारे वहाँ कोई तवा चढ़ाता है, तो तवे को छोड़ करके बाकी बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, बटुई में और कुकर में, बाकी हर तरह के व्यंजन बनते हैं लेकिन तवा नहीं चढ़ाया जाता। बताया जाता है मुगल शासन काल के दौरान कसमंडा स्टेट के राजा महोठा सिंह की पुत्री महोठे रानी का विवाह जनपद विकास खंड गुंदलमऊ क्षेत्र के तेरवा स्टेट के राजा महासेन के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्षों बाद मुगलों से युद्ध के दौरान राजा महासेन वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसी दौरान मुगल सैनिक महोठे रानी को ले जाने के लिए कसमंडा के महोली गाँव पहुँचे थे, जहाँ रानी की पासी समुदाय के सैनिकों ने रक्षा की थी और शहीद हो गए थे। कुछ पासी सैनिक रानी को सुरक्षित स्थान पर ले आए। कमलापुर व महोली गांव के दक्षिण में एक स्थान पर महोठे रानी अग्नि का आवाहन कर सती हो गई। यह स्थान उस समय भीषण जंगल झाड़ियों से घिरा हुआ था। लगभग 200 वर्ष पूर्व कसमंडा स्टेट के तत्कालीन राजा जवाहर सिंह को महोठे रानी ने स्वप्न दिया कि कमलापुर के दक्षिण जंगल के बीचों बीच एक मंदिर का निर्माण कराओ, जिसके बाद उस जंगल की सफाई के दौरान महोठे रानी की एक मूर्ति मिली जिसको मंदिर बनाकर स्थापित किया गया। उसी स्थान को अब लोग महोठे रानी मंदिर के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में बाछिल ठाकुरों के प्रत्येक परिवार द्वारा बकरे की बलि दी जाती है। सप्तमी के दिन क्षेत्र के बाछिल ठाकुरों के यहाँ जश्न मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से आए रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। साथ में क्षेत्र के दर्जनों गाँव में सभी समाज के लोगों के यहाँ भी सप्तमी के दिन तवा नहीं चढ़ाया जाता और हर घर में पकवान बनते हैं। बताते चले कि गुंदलामऊ ब्लॉक के तेरवा, गैथा, कोठावा, पारा पट्टी, गुंदलामऊ, महमदपुर, देवरीकैल, गोपालपुर पूर्वी, तारापुर, इस्माइलगंज, गेंधरिया, कुसौली, ककरघटा, गांगूपुर असल, कुचलाई, करसेंडा, गंगोए, महेशपुर, मछरेटा ब्लॉक के अनोगी, काकोरी, रामपुर, लोहंगपुर, हरिहरपुर सहित दर्जनों गाँव में बाछिल ठाकुर परिवार निवास करते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए
आई इंडिया।